नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरितालिका तीज की जानकारी देने वाले हैं कि 2023 में हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी, नहाए खाए का समय क्या होगा और सरगही कब खाएं, तथा हरितालिका तीज के दिन पूजा का समय क्या होगा, सुबह में पूजा का समय क्या होगा और प्रदोष काल में पूजा का समय क्या होगा, तथा पारण कब करें। हरितालिका तीज पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन है। ये निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले माँ पार्वती जी ने हरितालिका तीज व्रत का पालन करके शंकर जी को अपने पति के रूप में पाया था। इसीलिए आज भी सुहागिन महिलाएं हों या कुंवारी कन्याएं हों, अपने वर की अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हमारे पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को ही सुबह में 11:08 पर शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को दोपहर में 12:49 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने की वजह से हम सभी लोग 18 सितंबर को ही हरितालिका तीज व्रत मनाएंगे। नहाए खाए का समय 17 सितंबर को रहेगा। इस बार 17 सितंबर रविवार पड़ रहा है, इसलिए नहाए खाए में कोई भी झंझट नहीं है। रविवार के दिन आराम से अच्छे से शैम्पू करके नहा लें, उसके बाद से शुद्ध भोजन का सेवन करें। लहसुन प्याज अन्य चीज़ें वर्जित हैं, इन चीज़ों को ना खाएं, शुद्धता के साथ रहें। और सरगही का समय ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही होना चाहिए। 4 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो आप 3 ही उठकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर और तब सरगही अपना लें। उसके बाद जो आप खाना चाहती हैं, जो आपका हेल्थ अलाउ करता है, उसके हिसाब से ही खाएं। अगर गैस की प्रॉब्लम है तो गैस का टैबलेट खा लें, अदरक वाली चाय पी लें, चाहे नारियल पानी पी लें। पानी की कमी ना हो इसलिए इलेक्ट्राल या ORS ये भी पी सकती हैं। कोई भी मेडिसिन की दुकान में ये आसानी से मिल जाता है। इन चीज़ों का सेवन करने से आप 18 तारीख को स्वस्थ रहेंगी और जब स्वस्थ रहेंगी तभी आप अच्छे से पूजा कर पाएंगी। 18 सितंबर दिन सोमवार के दिन हरितालिका तीज का व्रत है। इस दिन आप पूजा करने के लिए अगर मंदिर जाना है आपको, तो सुबह में पूजा करने का समय है 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस समय आप नहा धो के और मंदिर जा सकती हैं, चाहे घर में भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन हरितालिका तीज व्रत की पूजा का प्रदोष काल में पूजा करने का ज़्यादा महत्व होता है। इस प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का समय है 6:23 से लेकर 7:47 तक। इस समय में आप विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करें, माँ पार्वती जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उसके बाद आरती करें। इस तरह से आप हरितालिका तीज की पूजा करें, कथा सुनें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं यानी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अगर जहाँ पे हरितालिका तीज की कथा हो रही है वहाँ पे स्वच्छता के साथ बैठकर कथा सुन सकते हैं, इससे भी उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जो नव विवाहित कन्याएं हैं
वो इस साल यानी 2023 में हरितालिका तीज व्रत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिस वर्ष अधिक मास का निर्माण होता है यानी मलमास होता है, उस वर्ष कोई भी नए त्यौहार नहीं किए जाते हैं। तो जो लोग पहली बार ये व्रत करना चाहते हैं वो ये व्रत नहीं कर पाएंगे। जब तक कि हमारा साल संवत बदलेगा नहीं तब तक कोई भी व्रत त्यौहार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये नवविवाहित कन्याएं अगर वो भी स्नान करके स्वच्छता के साथ बैठकर कथा सुन सकती हैं। हरतालिका तीज के पारण का समय भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बहुत सारे जगहों पर पारण सूर्योदय के पहले ही यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय ही कर लिया जाता है, और बहुत जगहों पर सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सूर्योदय के पश्चात ही पारण किया जाता है। तो आप जिस जगह पर हैं उसके हिसाब से पारण कर सके। अगर आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पारण किया जाता है तो आप 3 बजे उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके और पहले ब्राह्मणों के दान के लिए सब दान करके उसके बाद से पारण कर सकती हैं। और जो लोग सूर्योदय के पश्चात पारण करते हैं तो उनके लिए समय है 6:18 पर सूर्योदय का समय है, इसके पश्चात ही पारण करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।